और अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस आरजेडी के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर तनातनी की खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार करना सीएम का विशेष अधिकार होता है। साथ ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि डेप्यूटी सीएम मंत्रिमंडल नहीं होता है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो विशेष अधिकार होता है। ये पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन अभी पहले बात बिहार की एक और महत्वपूर्ण खबर के कर लेते हैं, जहां आईएएस केके पाठक के बाद एक बार फिर गर्मा गया है। आईएएस केके पाठक का दूसरा वीडियो सामने आया है। दूसरे वीडियो में भी गाली गलौज करते हुए दिख रहे हैं पाठक। नए वीडियो पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बात बर्दाश्त के बाहर है। तो विपक्ष ने की है केके पाठक की बर्खास्तगी की मांग। केके पाठक का एक और वीडियो सामने आ गया है। इसके साथ ही पहले वीडियो के सामने आते ही लगातार उनका विरोध शुरू हो गया है। बासा ने भी उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज अहम बैठक है। बैठक में ज्ञानवापी और मथुरा मामले पर भी चर्चा हो सकती है। यूपी की राजधानी लखनऊ के नदवा में सुबह 10 बजे ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक होगी। ये सभा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसन नदवी की अध्यक्षता में होगी। इस मीटिंग में सभी 51 सदस्य मौजूद रहेंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस मेगा मीटिंग का हिस्सा होंगे। बैठक के एजेंडे में समान नागरिक संहिता पर रणनीति बनाना शामिल है। इसके साथ ही बैठक में ज्ञानवापी और मथुरा मामले को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को किस तरह और मजबूती से डिफेंड किया जाए, इस पर भी विचार होगा। मुसलमानों से जुड़े अन्य मुद्दों और उनके प्रति बीजेपी के दृष्टिकोण पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही वो मामले जिनका ताल्लुक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है और कोर्ट में चल रहे हैं, उनमें क्या डेवलपमेंट हुआ, इस पर भी बात होगी। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हर साल रमजान से पहले अपनी सालाना बैठक करता है। और एक बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। इस साल के अंत में होने वाले MP चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने लोगों को जुड़ने के लिए मिस कॉल नंबर भी जारी किया है, जो फ्री सुविधाएं पंजाब और दिल्ली में आप सरकार दे रही है। तो वादा आम आदमी पार्टी ने MP में भी किया है। पंजाब दिल्ली में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी की निगाहें MP में आ चुकी हैं, जहां इसी साल के आखिर में चुनाव है और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। तो जो नंबर है वो है 7477111150। इस नंबर पर मिस्ड कॉल करके सभी कोई भी पार्टी से जुड़ सकते हैं। यही नहीं, आम आदमी पार्टी मिशन MP में उसी रणनीति के साथ उतरने की तैयारी में है जिसने उसे पंजाब और दिल्ली के सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश में आने वाली जो चुनाव है विधानसभा की, उस पे सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी। आम आदमी पार्टी वैसे ही चुनाव लड़ेगी जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लड़ा, जैसे गुजरात में लड़ा, जैसे दिल्ली में लड़ते। MP में 230 विधानसभा और 29 लोकसभा की सीट है। वैसे भी MP में होने वाले चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जाता है, लेकिन इस सेमीफाइनल को जीतना आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि सामने वो दो पार्टियां हैं जिनका संगठन हर नुक्कड़, गली मोहल्ले, चौराहे में बहुत मजबूत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।